हेलो क्लास सेकंड, आज आप मैथ में पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जो कि आपका चैप्टर 7। तो ये आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 74 है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन 8 मीटर और ब्लैंक, आपको ब्लैंक में राइट करना है सेंटीमीटर। तो यानी 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में आपके कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 8 मीटर में कितना हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे 5 मीटर और 70 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा आपका, 570 सेंटीमीटर। ऐसे 6 मीटर 40 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 640 सेंटीमीटर। देन राइट साइड में क्या है, 7 मीटर 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 715 सेंटीमीटर। ऐसे ही 12 मीटर 8 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1208 सेंटीमीटर। देन 4 मीटर 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 412 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, एट द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो ऐड जब करते हैं तो आप किस साइड से करते हैं, राइट साइड से करते हैं। ओके तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका, टू और वन कितना हो जाएगा, थ्री। ऐसे 5 3 कितना हो जाएगा, 8, और वन कितना हो जाएगा, टू। ऐसे और यहाँ पे मीटर भी आपको राइट करना है। ओके तो यहाँ पे 6 4 कितना हो जाएगा, 10, 4 8 और यहाँ पे वन कैरी आ जाएगी, 4 8 कितना हो जाएगा, 12, 12 1 कितना हो जाएगा, 13, और यहाँ फिर से वन कैरी, 2 2 4 और वन कैरी कितना हो जाएगा, 5, और आपको मीटर देना है। तो ऐसे ही आपको प्लस करना है। ओके तो जब प्लस करेंगे तो देखिए थर्ड वाला भी ऐसे क्या हो जाएगा आपका, 5 3 8 और 8 2 10 1 11 और 3 1 4 1 कितना हो जाएगा, 508। ऐसे ही नेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं और ऐसे ही आप अदर क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। प्लस करना है आपको और फिर ये मेरी वीडियो से आपको मैच कर लेना है आपका आंसर शीट। ओके क्लियर, और आपको लास्ट में यूनिट जरूर लगानी है। ओके अगर यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। देन क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आप राइट साइड से ही करते हैं सब्ट्रैक्ट। ओके राइट साइड से ही करते हैं। तो यहाँ पे 3 -1 करते हैं कितना हो जाएगा, 2, 7 -4 करते हैं कितना हो जाएगा, 3, और 1 -1 करते हैं 0, और लास्ट में आपको मीटर देना है। ऐसे 2 में से 6 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे आप, 9 से 12 लेंगे, कितना हो जाएगा आपका ये, 8, और ये कितना हो जाएगा, 12। तो 12 - 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 6, 8 - 8 करेंगे 0, 1 - 1 करेंगे 0, और लास्ट में मीटर। ऐसे यहाँ 1 में से 5 नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे, 7 से 12 लेंगे, कितना हो जाएगा ये, 11, और ये कितना हो जाएगा, 6। 11 - 5 करेंगे कितना आएगा, 6, 6 - 1 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5, और 1 - 1 0, लास्ट में मीटर। और ऐसे यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 3 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 2। 11 1 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, 2 से 1 12 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 - 3 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे 1 - 1 करेंगे 0, और लास्ट में मीटर। ओके ऐसे आप अदर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके और मेरी वीडियो से आंसर आप मैच कर लेंगे। ओके देन आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ है। तो यहाँ पे आपको जहाँ प्लस का साइन है वहां पे आपको प्लस करना है, ऐड करना है, और जहाँ पे माइनस साइन है वहां पे आपको सबट्रैक्ट करना है। तो एडिशन और सबट्रैक्शन तो मैंने आपको बता दिया है, तो आप अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मेरी वीडियो से अपने आंसर को आप मैच करेंगे। ओके देख लीजिए आंसर्स क्या है यहाँ पे, आप ऐड करेंगे तो 5 6 कितना हो जाएगा, 11। 11 का 1 राइट करेंगे, देन 4 1 5 और 1 कैरी 6 हो जाएगा, देन 5 6 11 अगेन 1 कैरी, और 4 3 7 और 1 कैरी कितना हो जाएगा, 8। सेकेंड क्वेश्चन में 5 और 0 कितना हो जाएगा, 5। ओके 4 3 7 6 8 14 3 3 6 और 1 कैरी 7,
देन नेक्स्ट हो जाएगा 5 6 11, 5 3 8 और 1 कैरी, 9 4 4 8 और 8 1 9। ऐसे फोर्थ वाला हो जाएगा 6 5 11, ओके 6 2 8 और 1 कैरी, 9 6 6 12, देन 5 2 7 और 1 कैरी 8। ऐसे आप ये अदर फोर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके देन है आपका सब्ट्रैक्शन, तो 8 माइनस 4 करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 8 माइनस 5 3 करेंगे 3, देन 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 1 आप बारो ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस 6 करेंगे 8, और 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन, 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे 5 से 1 बारो लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 8 करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 4 माइनस 3 करेंगे 1, देन 8 माइनस 6 2 और लास्ट में 5 माइनस 2 3। ऐसी थर्ड क्वेश्चन, 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आप 9 से 1 12 लेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 माइनस 7 करेंगे 8, ओके और 9 कितना हो जाएगा आपका 8, 8 माइनस 2 करेंगे 6, देन 5 में से अगेन 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आप 9 से 1 12 लेंगे तो 15 माइनस 6 इक्वल टू 9 और 8 माइनस 7 1। ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ और एट्थ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ओके क्लियर। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देन है प्रॉब्लम ऑन मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके व्हाट प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ टू पीसेस ऑफ रोप whose length are 27 meter and 33 meter। तो यहाँ पे आपको टू ropes हैं, rope मतलब रस्सी, टू ropes हैं, one की length कितनी है 27 meter और another की कितनी है length 33 meters। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, total दिया question में, total दिया तो आपको add करना होता है, लेकिन आप statement भी write देंगे। कैसे क्या write करेंगे, one piece of rope has length 27 meter and The other piece has a length of 33 meter. So, total length of both the piece of 27 plus 33 equal to 60 meter. और अगर यहाँ पे अगर आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते तो राइट साइड में आप रफ वर्क कर सकते हैं इस तरीके से। ओके देन क्वेश्चन नंबर टू है, विपुल हैज 725 मीटर क्लोथ इन हिज शॉप। ओके And he purchases 197 meter more cloth. How much total cloth has he now? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दे दिया, टोटल, टोटल दे दिया तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन राइट कैसे करेंगे आप, विपुल हैज क्लॉथ इन हिज शॉप इक्वल टू 725 meters. Then he purchased more cloth equal to 197 meter. अब आप क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे ऐसे, ओके रफ वर्क और राइट कर देंगे। सो टोटल क्लॉथ इज 725 प्लस 197 और जो आपने रफ साइड में किया था 922 मीटर, तो आप यहाँ पे आप राइट कर देंगे। ओके देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज 289 मीटर इन हाइट व्हाइल अदर बिल्डिंग इज 303 मीटर इन हाइट। मतलब एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 280 मीटर है, सॉरी 289 मीटर है, और सेकेंड बिल्डिंग की हाइट कितनी है 303 मीटर। व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द टू बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग की हाइट टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी टोटल तो आप क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन राइट कैसे करेंगे आप इस तरीके से, द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैज हाइट इक्वल टू 289 मीटर एंड द अदर बिल्डिंग हैज हाइट इक्वल टू 303 मीटर्स। अब आप इसे प्लस कर देंगे रफ वर्क में और राइट कैसे करेंगे, टोटल हाइट ऑफ द टू बिल्डिंग इक्वल टू, दोनों का एडिशन शो करेंगे और जो आंसर आया था आप उसे राइट कर देंगे। ओके देन क्वेश्चन नंबर फोर है, अखिल इज 85 सेंटीमीटर टॉल एंड निखिल इज 63 सेंटीमीटर टॉल। ओके अखिल की हाइट कितनी है 85 सेंटीमीटर और निखिल की कितनी है 63 सेंटीमीटर। हाउ मच टॉलर इज अखिल देन निखिल, यानी अखिल जो है निखिल से कितना ज्यादा टॉल है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा,
सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो राइट कैसे करेंगे, हाइट ऑफ अखिल इक्वल टू 85 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ निखिल इक्वल टू 63 सेंटीमीटर। तो दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ओके, तो आप रफ वर्क में से सबट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट कर देंगे, अखिल इज टॉलर देन निखिल बाई इक्वल टू 85 माइनस 63, ओके, एक और इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, और ट्रेन इज 28 मीटर लॉन्ग एंड अनदर इज 279 मीटर लॉन्ग। मतलब एक ट्रेन आपकी 288 मीटर लॉन्ग है और सेकेंड वाली 279 मीटर लॉन्ग है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन्स टुगेदर, टुगेदर दे दिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। लेकिन राइट कैसे करेंगे, देखिए, लेंथ ऑफ वन ट्रेन इक्वल टू 288 मीटर, देन लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन इक्वल टू 279 मीटर। ओके, अब आप रफ वर्क में प्लस करेंगे और यहाँ पे राइट कर देंगे, लेंथ ऑफ टू ट्रेन टुगेदर इक्वल टू 288 प्लस 279 इक्वल टू, जो रफ वर्क में आंसर आया तो वही आंसर आप यहाँ पे राइट कर देंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6 है, रेनू बॉट 167 सेंटीमीटर ऑफ व्हाइट रिबन एंड इफ 39 सेंटीमीटर ऑफ द रिबन इज कट ऑफ फ्रॉम इट। ओके, यानी रेनू के पास 167 मीटर व्हाइट रिबन था, उसमें से 39 सेंटीमीटर रिबन क्या कर लिया गया, कट कर लिया गया। व्हाट लेंथ ऑफ द रिबन इज लेफ्ट, अब क्वेश्चन में लेफ्ट अगर है तो आपको क्या करना पड़ता है, सबट्रैक्ट करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द रिबन विच रेनू बॉट, यानी रेनू ने कितना खरीदा था, 167 सेंटीमीटर, देन उसने क्या किया, कट कर लिया, कितना 39 सेंटीमीटर। ओके, तो लेफ्ट के लिए है तो लेफ्ट क्या करना होता है, सबट्रैक्ट। तो रफ वर्क में आप सबट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से और आंसर कितना आ रहा है, 128। तो यहाँ पे आप ऐसे राइट कर देंगे, लेंथ ऑफ द रिबन दैट इज लेफ्ट इक्वल टू 167 माइनस 39 इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स।